हाय गाइस, बी टाउन होप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विक्की कौशल और मानुषी छिल्लर की रिलीज हो चुकी फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली के डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही बॉलीवुड मूवी के डे बाय डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले वीडियो में जितना प्यार दिया था उससे कई ज़्यादा प्यार दोगे और दोस्तों लाइक और शेयर करोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बात करें तो इस फिल्म का डायरेक्शन दिया है विजय कृष्णा आचार्य ने और दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने YRF यानी कि यशराज फिल्म के बैनर तले। फिल्म के रन टाइम के बारे में बात करें तो 112 मिनट का इस फिल्म का रन टाइम है और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया है। दोस्तों, बजट के बारे में बात करें तो 38 करोड़ के बजट में बनाया इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1200 स्क्रीन में रिलीज़ किया है। वही दोस्तों, ओवरसीज में इस फिल्म को 500 स्क्रीन में रिलीज़ किया है। टोटल इस फिल्म को 2000 स्क्रीन में रिलीज़ किया है। दोस्तों, ये एक हिंदी लैंग्वेज की फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म के म्यूजिक दर्शकों को बहुत ही पसंद आ रहा है। वही दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यू के बारे में बात करें तो इस फिल्म को पब्लिक्स और क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं। इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी लेकिन दोस्तों एक्सपेक्टेशन से तो कम ही रिव्यू मिल रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी भी जवान फिल्म को देखने के लिए फैंस जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों गदर 2 फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है। ये दोनों फिल्मों का सीधा सीधा इफेक्ट इस फिल्म पर पड़ रहा है। दोस्तों, द ग्रेट इंडियन फैमिली फिल्म के डे वन के प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो ये फिल्म पहले दिन अपने इंडिया से 2 से 3 करोड़ कमाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये फिल्म अपना बजट रिकवर कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।